14 जून 2021 को सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि है और इससे पहले छिछोरे के को एक्टर ताहिर जराज वसीम ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। दरअसल मर्दानी एक्टर ने कहा है कि उनके निधन के बाद ये पहली बार होगा कि सुशांत और उनकी यादों के बारे में वो ऑफिशियली रूप से बात करेंगे। ताहिर राज वसीम ने सुशांत सिंह राजपूत को सेल्फ मेड एक्टर बताया और सुशांत की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म पर काई पोचे के में साथ में काम करने पर भी खुलकर बात की। दरअसल हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में एक्टर ताहिर राज वसीम ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खुलकर बात की। ताहिर राज ने कहा कि सुशांत 90 के दशक के शौकीन थे और उनकी फिल्म छिछोरे का एक छोटा सा हिस्सा 90 के दशक के सच में किया गया, इसलिए उस समय गाने हमेशा सुशांत की वैनिटी वैन में बजते थे। ताहिर ने यह भी बताया कि कैसे सुशांत एक बेहतरीन मिमिक और डांसर भी थे, कभी कभी वो अपने पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर्स की तरह डांस करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे सुशांत सेट पर एक सीनियर एक्टर की एनर्जी सेट पर लाते थे और सभी को काम करने के लिए प्रेरित करते थे। ताहिर ने यह भी बताया कि सुशांत के बारे में सोचते ही उनके दिमाग में पहली बार बात आती है कि वो एक सेल्फ मेड स्टार थे। अपनी पहली फिल्म काय पोचे में उनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा यादगार पल रहेगा। ताहिर जैन ने यह भी कहा कि उन्होंने सुशांत दोनों ने छिछोरे के लिए काम करने के दौरान वैनिटी वैन में काय पोचे के अपने सीन को देखते थे और पुराने दिनों को अच्छे पलों को याद करते थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बैकग्राउंड डांसर होने से टेलीविजन स्टारडम तक काम करने के बाद में फिल्म स्टारडम हासिल करने के बारे में भी कई सारी बातें की। नेक्स्ट नाइन लाइव सूरज सिंह की रिपोर्ट।